हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से मुलायम, बाहर से क्रिस्पी कैबेज कटलेट बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी होता है बनाने का तरीका। और ये इस ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। 400 ग्राम पत्ता गोभी को ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से लंबे लंबे आप भी काट लीजिए। इसमें करीब आधा चम्मच जितना मैं नमक ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा इसका पानी छोड़ देगा, तो पत्ता गोभी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। 5 मीडियम साइज की प्याज को मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। 10 से 15 किलो लहसुन के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 हरी मिर्च को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप हरी मिर्च आपके हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो। और इधर यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते को अच्छी तरीके से चॉप काट लिया है, तो मैं एक बटन में इन सारी चीजों को डाल दूंगी। तो धनिया पत्ता करीब हमारा आधा मतलब छोटे कटोरी में आधे कटोरी इतना है। तो ये फ्रेश धनिया का पत्ता है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा पाउडर। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें सिंपल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो ज़रूर डालिए। और 1 चम्मच अभी हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, साबुत धनिया आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है आपस में। मैं बेसन 5 चम्मच डालेंगे, मैं बड़े चम्मच में 5 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। और 4 चम्मच मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज कर रही हूँ। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा पानी छोड़ चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो जैसे कि मैंने चावल का आटा यूज किया था, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसमें इस बारीक जो सूजी होती है वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, तो हमने पहले भी डाला था इसलिए आप आपके हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, तो जैसे कि पत्ते गोभी में तो पानी होता ही है इसलिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे ये कुछ ज्यादा ही ड्राई हो चुका है तो आप इसमें पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसका बॉल बनाएंगे पेटीज। तो थोड़ा थोड़ा आपको हाथ में लेना है, पहले आपको राउंड शेप देना है, फिर उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसका पेटीज बना लिया है, आप चाहे तो इसका रोल भी बना सकते हैं। तो इधर कढ़ाई पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है, अब हम पेटीज को डाल देंगे। हम
तो इसको तल रहे हैं, आप इसको ओवन में 180 डिग्री में 12 मिनट के लिए ऐसे ही उसको बेक भी कर सकते हैं, या फिर आप तवा में इसको तेल डालकर चम्मच से पलट पलट कर भी सेक कर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और ऐसे हल्की हल्की सर्दियों में तो गर्म गर्म चाय के साथ गर्म गर्म ग्रीटीज बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो देख सकते हैं हल्का हल्का सुरेना होना स्टार्ट हो चुका है, कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अभी मैंने इसको पलट लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है सुनहरा होकर। तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही हम सारे पेटीज को तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड बेस्ट को भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड बेस्ट भी निकाल लिया है। तो इसे गर्मा गर्म फटाफट से सर्व कर लेते हैं। क्या है टमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस, आप चाहें तो चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो मैं इसको हरी धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कैबेज कटलेट बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से पूरा सॉफ्ट हमारा कैबेज कटलेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आपके घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग क्रंची है, बिल्कुल आप आवाज़ सुन सकते होंगे। तो यही था हमारा कैबेज कटलेट बनके रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।